हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज का वीडियो है कि आप अपने किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कैसे कर सकते हैं या हाइड कैसे कर सकते हैं, या मतलब अगर आप उसे डिस्प्ले नहीं कराना चाहते हैं उस टाइम में, या उसका थोड़ा पोर्शन आप हटाना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी बात जिस पे आपको मतलब उसका कुछ भी कंटेंट ब्लर करना हो या मोज़ेक इफेक्ट लगाना हो, आप तो उसे कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में आपको आपके पास अगर काइन मास्टर वगैरह ऐसा कुछ ऐप है वीडियो एडिटिंग के लिए, तो आपको अपना वो ऐप खोल लेना है। अगर आपको आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो मैं आपको उसकी लिंक दे दूँगा। और आपको क्या करना है, आपको अपने काइन मास्टर ऐप खोल लेना है। और काइन मास्टर ऐप को खोलने के बाद आपको ये आपसे स्टार्टिंग में पूछेगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको आइकन दिखेगा ऐड मूवी या ऐड वीडियो क्लिप वाला। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन देगा, ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट और एम्प्टी प्रोजेक्ट। आप एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक करो क्योंकि आपका पहले से प्रोजेक्ट सेव नहीं है, और ये मैं अक्सर चूज करता हूँ। आप जैसे ही एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एक मीडिया ऑप्शन दिख रहा है मीडिया ये वाला फाइल जैसे साइन है और यहाँ पे वीडियो वाला साइन है, तो आप जैसे ही आप मीडिया पर टाइप करोगे यहाँ पर आपके सारे वीडियोज वगैरह सारे इमेजेस वगैरह दिखा देगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो खोल लेना है कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं ये यू कट का एक वीडियो जो आज मेरे दिन में थोड़ा एडिटिंग करके बनाया था, तो उस लेना तो क्योंकि ये 1080 में भाई या फिर उसका साइज़ ज़्यादा है, तो एक बार आपसे पूछेगा कि आपको कॉपी बनानी है कि नहीं, इसके बिना आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे कि मेक 720 पिक्सल वाली कॉपी। तो जैसे ही एक बार ये फाइल को पूरी कन्वर्ट करेगा मतलब उसके पिक्सल्स डाउन करेगा थोड़ा कम रिजोल्यूशन में 720p, मगर 720p इज स्टिल HD और आपको रिजोल्यूशन वगैरह ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। तो आप दोबारा इस पर फाइल पर क्लिक कर दीजिए। और अब आपको क्या करना है, आपको ये टिक वाला साइन पर एक बार क्लिक करना है। अब क्या करना है भाई आपको, अब आप उस पोर्शन पर ड्रैग करके ले जाइए जहाँ भी आपको कोई टेक्स्ट या कोई भी पिक्चर या कुछ भी चीज़ हाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी तो भाई ये सेम पूरे वीडियो में पूरा टेक्स्ट चलता है, मगर मान लो अगर देखो 5 सेकंड या 6 सेकंड पे जाके यहाँ पे कुछ ऐसी वीडियो या कंटेंट या कुछ भी टेक्स्ट आता है जो मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ, किसी को नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है लेयर, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे बहुत सारे आपको और ऑप्शन दिखाएंगे जैसे मीडिया इफेक्ट ओवरले टेक्स्ट हैंड राइटिंग वगैरह। आपको इसमें इफेक्ट पर जाना है, इफेक्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिख के आएगा एक ऑप्शन बेसिक इफेक्ट, तो आप और भी अलग अलग तरह के इफेक्ट लगा सकते हो। अब आपको क्या करना है, इनमें से दो एक जो आते हैं प्री इंस्टॉल्ड या प्री लोडेड आपके पास, तो आप इनमें से एक गॉशियन ब्लर और एक मोज़ेक, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं जितना आपको लगे कि आपके वीडियो के लिए एप्रोप्रिएट रहेगा या बिल्कुल सही रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे मोज़ेक चूज कर लेता हूँ, तो मोज़ेक के बाद ये पूरे पर अप्लाई हो जाता है। आपको क्या करना है, एक बार क्लिक कर देना है इस पर और आप ड्रैग और ड्रॉप करके और रोटेट करके और रीसाइज करके आपको जितना भी पार्ट है जो भी पार्ट हटाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये HAI है ये वाला पार्टन हटाना है, तो मैं इसे और छोटा करूँगा और छोटा करूँगा और यहाँ पर ड्रैग कर दूँगा। और आपको एक और बात याद रखनी है, आपको जितने टाइम के लिए हटाना है उतने टाइम के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे 4 सेकंड्स 3 सेकंड्स 2 सेकंड्स, ये डिपेंड करता है आपका वो जो पार्ट है जिसे आप ब्लर करना चाहते हैं कितने देर तक डिस्प्ले कर रहा है। तो आप इसे ड्रैग करके इधर उधर थोड़ा मतलब बस आपको ये पकड़ना होगा और इधर उधर जैसे आप इसे एक बार मोज़ेक पे क्लिक करोगे और इधर कहीं भी क्लिक करके आप इसे इधर उधर कर सकते हो, उसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो के और किसी पार्ट में लगाना है मतलब इधर उधर खिसकाना है, मतलब इसे आगे स्टार्टिंग नहीं करना है आप पीछे ही लगाना है, तो आप इसे देर तक क्लिक करो और इसे ट्रैक कर सकते हो, आगे से ट्रैक कर सकते हो और फिर पीछे से ट्रैक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे स्टार्टिंग से ही लगाना है, तो मैं इसे और आगे से बढ़ाता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर देता हूँ और लास्ट तक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को पूरे टाइम के लिए ये वाला इतना ब्लर रखना है, और फिर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और या टैप पर क्लिक करेंगे या टिक पर या चेक पर जो भी आप उसे बोलते हैं उस पर टिक क्लिक करेंगे, ये वीडियो पूरी एडिटिंग हो चुकी है मतलब ब्लर के साथ या मोज़ेक इफेक्ट के साथ। अब आपको क्या करना है, ये जो एक सेंड आइकन या फॉरवर्ड आइकन है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो फाइल है ना जो बनी है, आपने नई वीडियो बनाई है, वो यहाँ पे आके सेव होगी टॉप पे, सबसे फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे जो पहली वीडियो होगी ना वही वाली। तो जैसे यहाँ पे अनटाइटल्ड 6 नाम से आ गई है, उस पर मैं एक बार टैप करूँगा और इसके बाद मुझे क्लिक करना है ये 3 डॉट्स लिंक वाले आइकन पर जो कि शेयर का आइकन होता है, शेयर का लोगो होता है। इसके बाद मैं इसे एक्सपोर्ट कर लूँगा और ये आपसे क्वालिटी पूछेगा, आपको कितनी बिट रेट रखनी है, कितने क्वालिटी का या कितनी फ्रेम रेट रखनी है, तो मैं
ऐसे हाई डेफिनेशन में रखना चाहता हूँ, 720p में और 30 पिक्सल फ्रेम रेट के साथ ही। तो उसके बाद मैं बस एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगा और ये एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट हो रहा है और इसका पूरा हो रहा है। और जैसे ये एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट हो जाएगा तो ये पूरी फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो चुकी है। और अब आपको एक और बार इसे शेयर आइकन पर क्लिक करना है और अब आपसे लोकेशन पूछेगा क्या करना है। तो आप अगर डायरेक्ट शेयर करना चाहते हो, कहीं अपलोड करना चाहते हो, ट्रांसफ़र करना चाहते हो, वो कर सकते हो। मगर आपको अगर अपने डिवाइस में सेव करना है तो आपको नीचे आना है और अपने फाइल मैनेजर पर टैप कर देना है, मतलब कॉपी टू। अब ये आपके आपको फाइल मैनेजर पर रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे हैं, मतलब जो है आपका एस डी कार्ड है, इंटरनल स्टोरेज है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये अपने एस डी कार्ड में सेव करना है तो मैं एस डी कार्ड चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर पेज पर क्लिक कर लेता हूँ और ये पूरा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी पसंद आया, बिल्कुल भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना, ज़रा शेयर करना और प्लीज स्टे सेफ एंड प्रैक्टिस हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्लीज फॉलो द गवर्नमेंट रूल एंड प्लीज डोंट गो आउटसाइड योर होम। इट इज़ अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।